हेलो ब्रेन स्टडी बात करते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में जो 15 फरवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वो क्या क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था वो फाउंडेड स्वराज पार्टी, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। ये स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्रानंद दास ने। एलपीजी हैज विच गैस, यानी कि एलपीजी जो हमारे सिलेंडर में होती है उसके अंदर कौन कौन सी गैस होती है। तो उसके अंदर गैस होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है। तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी की फुल फॉर्म आप याद रखें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरीके से सीएनजी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन विच सिटीज, यानी कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो किन किन शहरों को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज मैं आपको बता देता हूँ, एक ये नेशनल हाईवे का लिंक है जो कि चार शहरों को जोड़ता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई। ये चार महानगर है, इन महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसकी वजह से होता है। एड्स होता है वायरस की वजह से, आपको पता भी होगा काफ़ी घातक बीमारी है एचआईवी, वायरस की वजह से होता है। और उस वायरस का क्या नाम है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो फुल फॉर्म भी आप याद रखें, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, यानी कि कब भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आपको पता है कि हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018, यानी कि 2018 का फीफा प्लेयर कौन था, बेस्ट प्लेयर, तो वो था लुका मॉड्रिक। और जो लुका मॉड्रिक है वो क्रोएशिया से है। तो मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन, आप ये भी याद रखें कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन था। उसका विनर था फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता 2018 में, वो जीता था फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है पांडवानी इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि पांडवानी जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य, वो है छत्तीसगढ़ का। एक हिंदी से क्वेश्चन आया था घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। अब है नेम ऑफ बिगेस्ट कंटिनेंट, यानी कि सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है, या सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो है एशिया। हम आपको जो सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई पार्टी है, उसका सिंबल क्या है। उसका सिंबल है हैमर एंड सिकल, यानी कि हथौड़ा और दराती। वो विन मैन बुकर प्राइज 2018, 2018 में मैन बुकर प्राइज किसने जीता है। यह जीता है एना बर्न्स ने, एना बर्न्स। और ये इन्होंने जीता है अपनी नॉवल मिल्कमैन के लिए, इनकी नॉवल थी, उपन्यास था मिल्कमैन, इसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है मैन बुकर प्राइज, एना बर्न्स ने। लोगो ऑफ एशियन पैरा ओलंपिक 2018, तो 2018 में एशियन पैरा ओलंपिक हुए थे, उसका लोगो क्या था। उसका लोगो था मोमो, मोमो। और मोमो की फुल फॉर्म अगर देखूँ तो मोमो की फुल फॉर्म मोटिवेशन एंड मोबिलिटी। तो मोटिवेशन के पहले दो वर्ड ले लिए, मोबिलिटी के दो वर्ड ले लिए, तो मोमो उस लोगो का नाम दिया था जो एशियन पैरा ओलंपिक का लोगो था। और एशियन पैरा ओलंपिक 2018 हुए कहाँ थे, ये हुए थे इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की राजधानी मैं आपको बता देता हूँ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अब हिंदी से ही अगला क्वेश्चन है आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है। आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ होता है, आस्तीन के सांप मुहावरे का अर्थ होता है कि दोस्त के रूप में शत्रु, यानी कि है तो हमारा दोस्त लेकिन असल में वो दुश्मन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। थैंक्स।